हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे थे डेरीवेटिव, जिद आप नैक्सट टाइप करा जिद आप डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू अनदर फंक्शन फाइंड आउट करा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पैक्ट टू एज इंडीकेटेड एज, असी एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स क्यूब। देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, जी आप प्रीवियस वीडियो की थोड़ा जहा ही वांग ही है। बस ये की करना, जिद विद रिस्पैक्ट टू करते हो फंक्शन दूसरा मान लो यू, ठीक है, इन वाई फंक्शन मान लो, कि जो डेरीवेटिव करना दूसरे फंक्शन मान लो यू। तुम हूँ करना की है, इसका डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू दिस। तुम पहले यदा डेरीवेटिव कर लो वाई का, डी वाई अपॉन डी एक्स कि आ गया टू एक्स, यदि फिर यदा कर लो डी यू अपॉन डी एक्स। असी यानी कि इस फंक्शन का डेरीवेटिव इधर ये विद रिस्पैक्ट टू पता करना, वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू यू पता करना। इसलिए वाई का विद रिस्पैक्ट टू एक्स, डी का विद रिस्पैक्ट टू यू, दोनों डिवाइड कर दो, यू का सॉरी विद रिस्पैक्ट टू एक्स दोनों डिवाइड कर दो, तो को आ जाएगा वाई का विद रिस्पैक्ट टू यू। सो कट होने वाले कट हो जाएंगे, तो साढ़े को आंसर क्या आ जाएगा टू अपॉन थ्री एक्स। अगेन दस दी इस द डेरीवेटिव मैं विद रिस्पैक्ट टू इस फंक्शन की पता करना से, इस फंक्शन वाई मान लिया इसमें यू, यानी कि मैं वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू यू फाइंड आउट करना। मैं पहला वाई का विद रिस्पैक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर लाँगी, क्योंकि फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स है, ये यू का विद रिस्पैक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर लाँगी, दोनों डिवाइड करांगी, तो फिर कट के साढ़े को आंसर की आ जाएगा डी वाई अपॉन डी यू। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी विद रिस्पैक्ट टू ए, इन फंक्शन तुम्हें की मान लोगे वाई, इस फंक्शन की मान लोगे यू। सो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है, यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा के। मैं तुम्हें एक वीडियो के ना यू अपॉन वी के उपर नीचे फंक्शन सेम है तो दैन वो भी एक ट्रिक दसागी, बहुत ईजी ट्रिक है जाना यू अपॉन वी वाले तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, और नैक्सट वीडियो के मैं तुम दसागी। सिमिलरली डी यू अपॉन तुम डी एक्स फाइंड आउट कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, फिर डी वाई अपॉन डी यू की होगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, क्लियर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ई की पावर टू एक्स का डेरीवेटिव फाइंड आउट करना विद रिस्पैक्ट टू ई की पावर एक्स। सो इन वाई फंक्शन मान लो, फंक्शन वाई की होगा ई की पावर टू एक्स, तो फंक्शन यू की होगा ई की पावर एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की आ जाएगा, पहले ई की पावर टू एक्स का डेरीवेटिव क्या आएगा, ई की पावर टू एक्स, तो टू एक्स का डेरीवेटिव कितना हो गया टू, यू यू का विद रिस्पैक्ट टू एक्स किया, ई की एक्स का डेरीवेटिव क्या आ जाएगा, ई की एक्स ही, तो एक्स का वन। फाइंड की करना सी वाई का विद रिस्पैक्ट टू यू, सो की आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। सो एक कट कटा के तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। नैक्सट देखो, तुम एक्स स्केयर अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर डेरीवेटिव फाइंड आउट करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स स्केयर, इन फंक्शन वाई मान लो, इस फंक्शन की मान लो यू, वाई साढ़े को आ गया एक्स स्केयर अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर, यू की आ गया एक्स स्केयर। सो वाई का विद रिस्पैक्ट टू जो यू आप डेरीवेटिव पता करेंगे डी वाई अपॉन डी यू, पहले तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट किया हुआ है, डी वाई अपॉन डी यू, सॉरी ये डी वाई अपॉन डी यू हैगा, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स ए हैगा, ये डी यू अपॉन डी एक्स हैगा, फिर डी वाई अपॉन डी यू पता किया जो उन्होंने डिवाइड करके, क्लीयर आ। सो इन जरा क्लीयर कर लेना, ये वाई का हैगा विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ए यू का हैगा विद रिस्पैक्ट टू एक्स, दैट इज़ टू एक्स। नैक्सट इज एक्स स्केयर माइनस वन रेस टू पावर फोर बाई टू का विद रिस्पैक्ट टू पता करना मॉड एक्स। सो ये देख लो इंपॉर्टेंट हैगा, इस फंक्शन आप वाई मान लें, एक्स स्केयर माइनस वन की पावर फोर बाय फाइव, पावर मोहरे आ गई, एक पावर घट गई, फिर अंदर वाले का डेरीवेटिव किया टू एक्स। सो ए आ गया साढ़े को डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर यू का विद रिस्पैक्ट टू एक्स फाइंड आउट करा। सो मॉड एक्स का डेरीवेटिव होंगे एक्स अपॉन मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स का डेरीवेटिव की होंगे एक्स अपॉन मॉड एक्स। सो डी यू अपॉन डी एक्स भी फाइंड कर लिया, हम डी वाई अपॉन डी यू की होगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। सो डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नैक्सट देखो, कॉस इनवर्स थीटा विद रिस्पैक्ट टू लॉग वन प्लस थीटा, इन फंक्शन वाई मान लो, वाई की आ गया कॉस इनवर्स थीटा, यू की हो गया लॉग वन प्लस थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड करो की आएगा माइनस वन अपॉन एंड रूट वन माइनस थीटा स्केयर, एंड डी यू अपॉन डी थीटा की आएगा वन अपॉन वन प्लस थीटा, क्योंकि लॉग थी लॉग कुछ भी हो वन अपॉन फंक्शन आ जाता है, लॉग एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एफ एक्स, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी यू, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी यू अपॉन डी थीटा, दोनों डिवाइड करके साढ़े को आ गया आंसर। सो मेन है कि तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए सारे डेरीवेटिव के, जो आते हैं तो कुछ औखा नहीं है, बस मैथड है। तो एक साइन इनवर्स थीटा का विद रिस्पैक्ट टू लॉग वन प्लस थीटा, वाई की है साइन इनवर्स थीटा, यदा डी वाई अपॉन डी एक्स डी थीटा की होगा विद रिस्पैक्ट टू थीटा करेंगे ना, हम जो भी तुम्हें पैरामीटर देता वो विद रिस्पैक्ट टू करी जाओ, यह होंगे वन अपॉन इंड रूट वन माइनस थीटा स्क्वायर, यू दिता लॉग वन प्लस थीटा यानी लॉग एफ एक्स, वह कहता वन अपॉन एफ एक्स,
सो ये साढ़े को हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा डी यू अपॉन डी थीटा, तो असी पता की कहना डी वाई अपॉन डी यू, इतने यू कर लेना। सो आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा डी यू अपॉन डी थीटा थीटा कैंसल ही होंगे एक किस्म का, ठीक है ना। सो ए वैल्यू सू दी हुई है वन अपॉन इन टू वन माइनस थीटा स्क्योर, यदि वैल्यू वन अपॉन वन प्लस थीटा दोनों डिवाइड कर दिता तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्योर रूट ओपन ही किया हुआ जस्ट, ठीक है। नैक्सट टैन एक्स का विद रिस्पैक्ट टू कॉस थीटा, इन वाई मान लो इन यू मान लो, टैन एक्स का डायरेवेटिव क्या होता है सिकंड स्केयर एक्स कॉस एक्स का क्या माइनस साइन एक्स, अगे वाई का विद रिस्पैक्ट टू यू फाइंड करना, वो फाइंड कर लो डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन जी टी एक्स सिकंड स्केयर थीटा अपॉन माइनस साइन एक्स, सिकंड स्केयर असं वन अपॉन कॉस स्केयर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो ये फाइंड आउट करना वाई इत मान लिया सिकंड एक सिक यू मान लिया एक सिकंड डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया सिकंड एक्स का सिकंड एक्स टैन एक्स यू है एक सिकंड एक्स यदा जो किया माइनस को सिकंड एक्स कॉट एक्स फिर फाइंड करना डी वाई अपॉन डी यू दोनों डिवाइड कर दिता इतने कट्टन वाले तुम्हें कट देने, ठीक है। साइन कॉस की फॉर्म के सारे कट हो जाएंगे सिर्फ साढ़े को टैन क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कर लेना खुद हो जाएगा सौखा ही। साइन स्केयर का पता करना विद रिस्पैक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स, सो वाई मान लिया साइन स्केयर एक्स दूसरे फंक्शन यू मान लिया, पहला डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड किया टू पावर मोरे टू साइन एक्स का किया कॉस एक्स, तो तुम्हें पता ही है इनू असं साइन टू एक्स भी लिख सकते हैं जो तुम्हें लिखना होगा डी यू अपॉन डी एक्स ई की पावर कॉस एक्स, पहले ई की पावर जो फंक्शन का एज इट इज रहा फिर फंक्शन उपर वाले कॉस एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स, सो आ गया माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स, दोनों इतने डिवाइड किया फिर डी वाई अपॉन डी यू फाइंड करने लिए टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स, फिर साइन साइन कैंसल ये आ गया माइनस टू कॉस एक्स ई की पावर कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पैक्ट टू टैन इनवर्स एक्स, इन फंक्शन वाई मान लेना यदा डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना, इन यू मान लेना यदा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स फाइंड कर लेना, फिर दोनों डिवाइड कर देना। ये देखो वाई लिया हुआ ये यू लिया हुआ यदा वाई का पहला किया टैन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। असी एक्स नू की पुट कर दिता टैन थीटा करवाए ना एक वीडियो में सारे, तो ये अंदर जो फॉर्मूला पुट करा साइन टू थीटा बन जाएगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होंगे, सो टू थीटा आ जाएगा थीटा इतों की आ जाएगा टैन उधर चक के लो टैन इनवर्स एक्स, सो डेरिवेटिव की होंगे टैन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दिता यू टैन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स का वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कट के आंसर किन आ गया दो। इदी कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पैक्ट टू टैन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, सो पहला वाई का दिता हुआ, ठीक है। फिर दी इन यू मान लिया वाई का डेरीवेटिव करा पहला इन टैन पुट कर लेना एक्स नू कॉस टू थीटे का फॉर्मूला बन जाएगा, ट्रिग्नोमैट्री से सारे फॉर्मूले मैं दसे हुए हैं उत्थे तुसीं देख लेने, सो एक कट कटा के कर चुके हैं सारे आपां, इहदा भी इदी सेमी रल डिफाइंड करांगे आपां डी वाई डी यू अपॉन डी एक्स, फिर दोनों नू की करांगे डिवाइड करांगे। नैक्सट टैन इनवर्स दिस विद रिस्पैक्ट टू साइन इनवर्स दिस फंक्शन, सो एक्स एच भी टैन थीटा पुट होना है, तो इतों पहला विद यदी हैल्प नाल वाई कढ़ लाँगे आप, ठीक है। इदे यू दे विच भी टैन थीटा पुट करके ये फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों नू फिर डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, क्लीयर ना। आप कर चुके हैं तुसीं वीडियो जरूर देख लेनी, कुछ औखा नहीं है जो इतने आप पुट करना ना टैन थीटा तो आराम नाल आंसर आ जाने, ठीक है। ई दी एक्स का विद रिस्पैक्ट टू अंडर रूट एक्स फाइंड करना आप, ये फंक्शन हो गया साढ़े को वाई ये फंक्शन हो गया यू, वाई का विद रिस्पैक्ट टू एक्स ई की पावर एक्स ई पावर एक्स अंडर रूट एक्स का पावर पहला मुरे आएगी वन पॉइंट टू फिर पावर माइनस वन बाय टू हो जाएगी जी नीचे आके प्लस वन बाय टू दैट इज अंडर रूट अगेन आ जाएगा, ठीक है। सो बस फिर डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। लॉग टेन एक्स लॉग बेस पावर टेन दिता विद रिस्पैक्ट टू एक्स स्क्वायर नू वाई मान लो इन यू यहाँ वन पॉइंट एक्स लॉग एक्स का लॉग टेन ई लिख लेना एंड डी यू अपॉन डी एक्स हो गया टू एक्स, ये जरा मतलब डेरीवेटिव का ध्यान रखना है कि होंगे, सो दोनों डिवाइड कर दोे को आंसर आ जाएगा। नैक्स साइन एक्स स्केयर द एक्स क्यूब साइन एक्स स्केयर वाई हो गया ए यू हो गया वाई का विद रिस्पैक्ट टू एक्स पता करा, ठीक है। साइन एक्स स्केयर हूँ एंगल का स्केयर है जरा ध्यान रखना कई इतने गलती करते, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया कॉज एक्स स्केयर फिर एक्स स्केयर का होया टू एक्स, ठीक है। टू एक्स कॉज एक्स स्केयर आएगा तो फिर ये डी यू अपॉन डी एक्स पता करेंगे एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्केयर इतने थ्री एक्स स्केयर लिख लिया होना, ठीक अच्छा ठीक है। तो थ्री एक्स स्केयर एक एक्स ना एक्स कैंसल हो गई तो साढ़े को फिर नीचे थ्री एक्स स्केयर आ ये जरा ध्यान रखना, ठीक है। साइन एक्स स्केयर का इतने एंगल का एक्स स्केयर है ना कि साइन स्केयर एक्स, जो साइन स्केयर एक्स हो फिर पावर मोहरे आँदी होंगी पहला जो ज़्यादा वजह ही होंगे साइन स्केयर एक्स फिर मतलब होंगे यदा भी स्केयर है पावर पहला मोहरे आनी ही टू साइन एक्स कई इतने गलत कर देंगे जो भी पावर पहला मोहरे लेंदे, सो जरा ध्यान रखना इस सामने।
नैक्सट वाई गिवन हैगा, यू गिवन हैगा, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करो, डी यू अपॉन डी एक्स दोनों फॉर्मूले भी तुम आते फिर डिवाइड कर दो। ठीक है जी, कुछ औखा नहीं है, जो बस पावर मूहरे पहले लियादी है, यदि पावर वन बाय टू, पावर एक घट गई माइनस वन बाय टू, नीचे के प्लस वन बाय टू अंडर रूट बन जाना, फिर बीच वाले का डेरीवेटिव करेंगे एक्स स्केयर का टू एक्स एक बन गया, इदी टैन वर्स एक्स का होंगे ही वन पॉइंट वन प्लस एक्स स्केयर, उन्होंने डिवाइड कर दो, कट्टन वाले घट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। जब बना लेंगे हो ना पावर का वन बाय टू है, पावर वन है, एक जगह इट्ठिया कर लेनी पावर्स एक कर लेना। जो वीडियो पसंद है मैं लाइक एंड कमेंट करके जरूर दस्या करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।